छोटे समय में आपको परिणाम मिलेगा। कहीं ना कहीं बीकानेर में सोलर हब बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई खूब हो रही है, उस कटाई की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में फर्क भी उसी का। सुबह मेरे संज्ञान में विषय आया है, यदि कोई कंपनी जिसको शर्तों के अनुसार पौधे लगाने चाहिए थे नहीं लगाए, उसकी जाँच कराएंगे। धरने के बारे में मुझे बताया गया है, तो जिला कलेक्टर महोदय से भी आग्रह करूँगा, वन विभाग से भी आग्रह करूँगा, अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, जिला कलेक्टर को निर्देशित करेंगे, वो धरना स्थल पर जाकर उनसे बात करें, और कोई कंपनी अगर इस प्रकार से कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, वन विभाग की ज़मीनों पर अतिक्रमण, उसके अलावा बीकानेर में खासतौर पर अवैध खनन, इस तरह की चीज़ें हमेशा शिकायतें आती रही हैं। देखिए, मैंने अभी हमारे जो नवीन प्रशिक्षणार्थी वन रक्षक हैं उन सबसे आग्रह किया है कि हमारा पहला धर्म है वन क्षेत्र की सुरक्षा करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना, वन्य क्षेत्र में लगे हुए पेड़ों की सुरक्षा करना, अवैध खनन हो रहा है जो वन्य क्षेत्र में हो रहा है उसकी सुरक्षा करना, क्योंकि प्रकृति को हमने दिया कुछ नहीं, अपनी आवश्यकता अनुसार उसका दोहन करते रहे, और जिसका परिणाम है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में वृद्धि हुई, और जो इस गर्मी में हमने 50 डिग्री से अधिक तापमान की त्रासदी झेली वो केवल उसी का कारण था। तो वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा और आने वाले समय में आपको परिणाम देगा। भजन सरकार के कामकाज के बारे में कुछ? भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में चहुमुखी विकास हो रहा है, और मुझे खुशी इस बात की है कि गत सरकार में भी मैं विधायक था 2018 से 23 में, और उस सरकार में विकास के कामों को लेकर के विपक्ष के विधायकों के साथ अनदेखी की जाती थी, कहीं ना कहीं भेदभाव बढ़ता जाता था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में 200 विधानसभाओं में बिना किसी भेदभाव के काम हो रहा है। जिसने मांगा उसको भी दिया, जिसने नहीं मांगा, जनता की जरूरत थी उसके अनुसार भी दिया। तो आने वाले समय में आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, राजस्थान की जनता सुरक्षित भी रहेगी और सद्भावना से भी रहेगी, और विकसित राजस्थान